जनपद अमेठी पहुंचे सपा नेता ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए ब्रह्मांड संगठनों एवं नेताओं से मुलाकात कर अपनी ओर खींचने का किया प्रयास। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद एक कानून बनाए जाने को लेकर विवाद के घेरे में गिरती चली जा रही है, इसी के साथ महंगाई, बेरोजगारी तथा ब्रह्मांडों की हत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ साथ ब्रह्म समाज पर बीजेपी द्वारा किए जा रहे अत्याचार को लेकर अन्य पार्टियां एक अवसर के रूप में देख रही हैं। उसी तरह अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे पार्टी के सदस्यों को अपनी तरफ लुभाने तथा खींचने में लग गई हैं। विशेष रूप से 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ब्रह्मांड वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। इसी के दृष्टिगत सोमवार को बीजेपी के गढ़ अमेठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी ने भ्रमण किया, जहां पर एक तरफ पार्टी के सदस्य एवं पदाधिकारियों से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ दो मृतक सैनिक के घर गए और उनके परिवार वालों के हालचाल जाना और समस्याएं सुनी। इसी के साथ देर शाम आशीष चतुर्वेदी ने अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के कदावर एवं वरिष्ठ ब्रह्मांड नेता आशीष शुक्ला के घर गए और उनसे मुलाकात भी की। इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में आशीष शुक्ला को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, जिसको कहीं ना कहीं स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्वीकार किया है। यह सब आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव के संकेत हैं तथा उसी के लिए अमेठी में जमीन तैयार की जा रही है। इसी के साथ सपा नेता ने अमेठी में ब्रह्मांड संगठनों से भी मुलाकात की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं पर भ्रमण के उपरांत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संगठन के कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी। इसी के साथ साथ सेना के वह परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, उन लोगों से जानना था कि उन लोगों की क्या स्थिति है, उन लोगों को कहीं कोई समस्या तो नहीं, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हुआ था। आज आपके द्वारा अमेठी में किस प्रकार का भ्रमण है? देखिए, आज संगठन के कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, साथ ही जो सेना के वो परिवार हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया था, उन लोगों से जानना था कि उन लोगों की क्या स्थितियां हैं, उन लोगों को तकलीफ है कि नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ आज आया था। साथ ही जो हमारा संगठन है, आज कुछ उन लोगों से भी मुलाकात करनी थी, उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या माना जाए कि 2022 के चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। पब्लिक भी अपना मन बना रही है और जो संकेत अभी मिल रहे हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मौजूदा सरकार एक नियम लागू की है कि 5 साल संविदा पे नौकरी करना पड़ेगा, ऐसे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में आई हो चाहे देश में आई हो, उन्होंने बेरोजगारी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज 70 साल में आज सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे बेरोजगारी है और महंगाई जो है वो 70 साल की सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देश और प्रदेश को चला रही है। अमेठी में ब्राह्मण नेता के बड़े चेहरा माने जाते हैं आशीष शुक्ला जी, ऐसे में क्या माना जाए कि आप तो यहाँ पर आए हैं और उनके सपा में जाने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, ब्राह्मण जो हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरे उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ़ है और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, तो जो भी ब्राह्मण नेता हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमारी हों किसी और पार्टी के हों या ब्राह्मण संगठन हैं, आज मैं ब्राह्मण जो संगठन है उन लोगों से भी मिला हूँ, तो उसी उपलक्ष्य में आज मैं भी इनसे भी मुलाकात करने आया था। अभी इस तरीके की अटकलें लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, आगे आने वाले समय में हो सकता है शुक्ला जी जो हैं वो हमारी पार्टी में आए, और केवल शुक्ला जी नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में आएंगे। अमेठी से UP24 न्यूज़ के लिए राजकुमार जयसवाल की रिपोर्ट।